खबरों में बने रहने के लिए आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि दिल्ली के अंदर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मधुर वर्मा जी जो कि प्यारो हैं। सर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्राइम दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है 24 घंटे में कत्ल की वारदात ऑनरेबल सी एम के इस ट्वीट के बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से भी की गई है और मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है रेदर पिछले साल के मुकाबले हिनेस क्राइम 10 परसेंट कम हुआ है सिमिलरली क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसमें साढ़े ग्यारह परसेंट कमी आई है और सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बाईस कम हुआ है जिन इंसिडेंट्स की वो बात कर रहे हैं ये एक तीन सेपरेट uh, इंसिडेंट्स हैं इनमें दो इंसिडेंट्स इस प्रकार के हैं जिसमें फैमिली मेंबर ने ही दूसरे फैमिली मेम्बर का कत्ल किया है ये एक सोशल एबरेशन है बट इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑन लॉ एंड ऑर्डर ये केसेस प्रिवेंट करना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन है अनलेस एन अनटिल पुलिस को एडवांस में या कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन हो कि इस तरह का क्राइम घर के अंदर किसी के यहाँ कमिट किया जा सकता है वसंत विहार का इंसिडेंट एक बुजुर्ग दंपति की जो हत्या का इंसिडेंट सामने आया है दिल्ली पुलिस के पास इसमें वाइटल लीड्स हैं इम्पॉर्टेंट क्लूज हैं इसमें भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से सामने आ रहा है एक फ्रेंडली एंट्री हुई है और उम्मीद करते हैं हम जल्द ही इसमें अक्यूज़ को गिरफ्तार कर पाएंगे सर स्ट्रीट क्राइम की अगर बात करें तो लगातार नए नए वीडियो सामने आते हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ दिल्ली के अंदर नज़र आ रहा है Uh, मैं ये भी बताना चाहूँगा कंपेरेटिव फिगर्स पिछले साल के मुकाबले स्ट्रीट क्राइम में यानी कि स्नैचिंग या रॉबरी के जो इंसिडेंट हैं वो भी कम हुए हैं लेकिन स्ट्रीट क्राइम को एक स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के के साथ काम किया जा रहा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट डी खुद अपने इलाके में वो डार्क स्ट्रेचेस या आइसोलेटेड स्ट्रेचेस एनालाइज करते हैं वहाँ पे किस प्रकार का क्राइम कमिट किया हो रहा है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद वहाँ पे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पुलिस पिकट्स एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट क्विक रिएक्शन टीम की डिप्लॉयमेंट की जा रही है प्लेन क्लोथ्स में पुलिस स्टाफ को डिप्लॉय किया जा रहा है हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि हम इस प्रकार के एक्टिव क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकें उस स्ट्रैटेजी के चलते इस साल लगभग पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना स्ट्रीट क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए हैं सर लगातार जो हथियार हैं वो भी दिल्ली में सप्लाई हो रहे हैं तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें अपराधी खुलेआम हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं शाहदरा का ही एक मामला सामने आया अभी ये जो जो शाहदरा का इंसिडेंट एक आइसो एक सेलिब्रेटरी फायरिंग का इंसिडेंट है इसमें दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो केजरीवाल जी का कहना है कि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है तो जो लोग हैं वो सुरक्षा के लिए किसके पास जाएँ ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है रैदर जो फिगर्स हैं स्टैटिस्टिक्स हैं ये अदरवाइज दर्शाते हैं दिल्ली में क्राइम ना सिर्फ कंट्रोल में है बल्कि पिछले साल के मुकाबले हीनियस क्राइम में विमेन के अगेंस्ट क्राइम में सीनियर सिटीजन के क्राइम में फायर आर्म्स के क्राइम में कमी आई है जितने पी आर मधुर वर्मा जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो दो के मुकाबले दो में जो दिल्ली में क्राइम का ग्राफ है वो गिरा है कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा एबीपी न्यूज़ दिल्ली